हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांशु सिंह। आज हम लोग करने वाले हैं कैमरा कंपैरिजन रियल मी वन और हॉनर नाइन लाइट। जो राइट हैंड साइड में है वो हॉनर नाइन लाइट है और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो है रियल मी वन। तो इस इमेज को आप देखिए, जो हॉनर नाइन लाइट है वो थोड़ा सा भूरा कलर जो है, ब्राउन कलर वो जो ट्री को दिखा रहा है, जो कि अंडर एक्सपोज कर दिया है। और ये देखिए जो रियल मी वन है वो एकदम एक्यूरेट कलर जो है शो कर रहा है। अगर मैं इसे जूम करूँ तो देखिए डिटेल्स जो है रियल मी वन में काफ़ी अच्छी है। और मैं यहीं बात करूँ तो अगर ये भी देखिए, दोनों की डिटेल्स काफ़ी अच्छी हैं। डिटेल्स के मामले में अंतर नहीं है, लेकिन अगर कलर की बात करें तो कलर जो है काफ़ी डिफरेंस है। अब विंडो पे देखिए जो लगा हुआ है नेट, उस पर भी जो है ब्राउन कलर जो है दिख रहा है नाइन लाइट में, और जो रियल मी वन है उसमें जो नेचुरल कलर दिख रहा है। इस इमेज में आप देखिए जो डिटेल्स है वो रियल मी वन में स्काई की ज़्यादा है, लेकिन अगर क्लाउड पे आप देखें तो क्लाउड की जो दोनों में डिटेल्स जो है ठीक ठाक आपको दिख रही है। अगर यही इमेज को मैं जूम करूँ तो ये सामने जो ब्रिक्स आपको दिख रहा है रियल मी वन में, थोड़ा सा जो डिटेल्स है वो लॉस्ट आपको दिख रहा है। और ये नॉन लाइट में अगर मैं देखूँ तो इसमें आपको डिटेल्स जो है रियल मी वन से ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है। जो अगली शॉट ये देखिए पोल की है, इस पर आप देखिए जो रियल मी वन है इस पर जो है डिटेल्स जो है ठीक ठाक, अमाउंट डिटेल्स अच्छी है, कलर भी अच्छा है, कंट्रास्ट भी अच्छा है, कलर आपको ओवर एक्सपोज देखने को नहीं मिल रहा। अगर यहाँ रियल मी वन में आप देखो तो रेड कलर को आप देखिए, जो रेड कलर थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो गया है, लेकिन डिटेल्स जो है दोनों में अच्छी हैं, कोई डिफरेंस नहीं है डिटेल्स में, लेकिन आँखों को जो है नाइन लाइट थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ये माइक्रो शॉट मैंने लिया है, ये देखिए दोनों इस तरह देखने में दोनों में डिटेल्स अच्छी लग रही है, लेकिन जब आप इसे जूम करेंगे तो देखिए लीफ की डिटेल्स थोड़ी सी ब्लोन आउट हो रही है। और यहाँ पे आप देखिए जो लीफ की डिटेल्स है वो रियल मी वन में वो अच्छी दिख रही है। और मैं साइड में अगर आपको फ्लोर दिखाता हूँ तो ये देखिए जो फ्लोर की डिटेल्स है वो रियल मी वन में पता चल रही है, फ्लोर ये जो कटा पीटा है। यहाँ पे आप देखिए जो है थोड़ी सी जो लाइट है उसे जो है ओवर एक्सपोज कर दिया गया है, तो ये आपको डिटेल्स थोड़ी सी लूज़ हो रही है। जो अगली इमेज है वो एक बाइक की है, आप देखिए जो 53 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए जो लाइट की लाइट जो है थोड़ा सा मैनेज नहीं कर पा रहा है रियल मी वन। अगर यहीं आप देखें हॉनर नाइन लाइट, तो लाइट को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, आप 53 को आसानी से देख पा रहे हैं जो यहाँ पे लाइट ज़्यादा आपको दिख रहा है। लेकिन अगर टेल लाइट की बात करूँ तो टेल लाइट देखिए जो नाइन लाइट में जो पिंक कलर का दिख रहा है और जो रियल मी वन में रेड कलर का है, और जो रियलिटी में ये रेड कलर का है, तो जो कलर है वो रियल मी वन अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है नाइन लाइट के कंपेरिज़न। ये एक इवनिंग शॉट है, तो यहाँ देखिए जो डिटेल्स हैं वो दोनों में ठीक ठाक लग रही हैं, ऐसे दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं लग रहा है। लेकिन जब आप इसे जूम करेंगे तो यहाँ देखिए जो शटर के सिंबल है, यहाँ आप देखिए जो रियल मी वन है उस पर आपको अच्छे से पता चल रही है, और जो कलर है शटर की वो भी रियल दिख रही है। इसमें थोड़ा सा देखिए येल्लो थोड़ा डार्क हो गया है, लेकिन यहाँ देखिए जो डिटेल्स है वो रियल मी वन में अच्छी लग रही है। अगर आप ऐसे आप फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बिना जूम किए। और जो ये देखिए ट्री है बैकग्राउंड में ट्री, वहाँ आप देखिए रियल मी वन जो डिटेल्स थोड़ी सी ज़्यादा रख रहा है, थोड़ी सी बहुत ही नॉर्मल। ये भी एक लॉन्ग शॉट है, तो ऐसे देखेंगे तो डिटेल्स दोनों में ठीक ठाक लग रहे हैं। लेकिन अगर आप पेड़ को देखिए, पेड़ को तो यहाँ देखिए रियल मी वन थोड़ा सा स्लाइटली हल्का सा लीड ले रहा है। और अगर आप जूम करेंगे तो ये देखिए जो वॉल पे लिखा हुआ है उसमें जो है रियल मी वन थोड़ा सा क्लियर आपको दिख रहा है, थोड़ा सा हल्का सा। और यहाँ पे जो है आपको उतना क्लियर नहीं लग रहा है। और कार पे भी आप देखिए जो है थोड़ा सा आपको जो है फेड लग रहा है, हल्का जो है ब्लर आपको दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो थोड़ी डिटेल्स जो है अच्छी मात्रा में है रियल मी वन में। ये इमेज है, ये भी इवनिंग में मैंने लिया हुआ है। यहाँ देखिए जो है डार्क पार्ट है, डार्क साइड है जो पेड़ का, वो दोनों में ठीक ठाक है। लेकिन जो शार्प पार्ट है जो रियल मी वन में, आप देखिए जो डिटेल्स अच्छी आई हुई है। और यहाँ पे जो है एक ही तरह का पेड़ आपको लग रहा है, पूरा ब्लैक हो गया है। लेकिन अगर मैं इसे जूम करता हूँ तो ये देखिए नीचे की तरफ जो है आपको जो है नाली के ऊपर आप देखिए जो डिटेल्स उतने अच्छी नहीं हुए, लेकिन जो रियल मी वन है उसमें डिटेल्स ठीक ठाक है नाइन लाइट के कंपेरिज़न। और जो पीछे लिखा हुआ है ये देखिए, वो भी जो कलर है वो अच्छा प्रोड्यूस किया है रियल मी वन ने, और जो नाइन लाइट थोड़ा सा कम डिटेल्स रख पाया है। क्योंकि जो ये इमेज है, मैं आपको बता दूं हॉनर नाइन लाइट में जो है लाइट का एक्सपोजर कितना करेक्ट है, बहुत अच्छा है, आप जो लाइट को गिन सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ रियल मी वन में, आपको लाइट के गिनने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो पीछे की तरफ जो पेड़ है आप देखिए ध्यान से, वहाँ पर रियल मी वन में थोड़ा अच्छा दिख रहा है आपको। और यहाँ पर देखिए हॉनर नाइन लाइट में थोड़ा सा ब्लैक आपको दिख रहा है, और क्लाउड भी जो है आपको जो है रियल मी वन में थोड़ा मतलब ब्लू दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं है। तो ये जो इमेज है हॉनर नाइन लाइट की जो है ठीक ठाक है, रियल मी वन में जो लॉन्ग डिस्टेंस जो है ठीक ठाक है, लेकिन ओवरऑल नाइन लाइट जो है इस लीड ले लेता है।
और ये देखिए अभी एक नाइट शॉट है, मैं आपको बता दूं, यहाँ जूम करता हूँ, ये देखिए कुरैशी मॉडल सब जो लिखा हुआ है यहाँ पे जो है क्लियर आपको नहीं हो रहा है, जो लाइट को जो है ओवर एक्सपोज कर दिया गया है तो यहाँ आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही है। और ये देखिए जो लाइट की जो डिटेल्स है उसे बहुत अच्छे से मैनेज करके जो है इमेज कैप्चर किया है हनन लाइट ने, तो यहाँ पे आपको पूरा पढ़ा जा रहा है और डिटेल्स भी ठीक ठाक है, पेड़ पे भी डिटेल्स जो है हनन लाइट में बेटर है रियलमी वन के कंपैरिजन। और अगर मैं इस इमेज की बात करूँ तो ये देखिए फिर से जो है हनन लाइट जो है लाइट के एक्सपोजर को अच्छे से कंट्रोल किया है, और यहाँ देखिए जो लग रहा है मरकरी लगी हुई है। और मैं यहाँ बात करता हूँ ट्रांसफार्मर पे जो डिटेल्स है वो रियलमी वन में अच्छा है। और जो ग्रिल है आप देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो है ब्लरी आपको दिख रहा है, उतना जो है क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ देखिए रियलमी वन में थोड़ा सा आपको क्लियर दिख रहा है, तो यहाँ पे लीड ले लेता है रियलमी वन। अगर मैं सेल्फ़ी की बात करूँ तो सेल्फ़ी दोनों में ठीक ठाक आ जाती है, लेकिन जो अगर मैं सेल्फ़ी बोलूँ तो यहाँ पर जो डिटेल्स काफ़ी बेहतर आती है रियलमी वन के कंपैरिजन। आप देखिए जो डिटेल्स भी काफ़ी बेहतरीन है और हनन लाइट में, ये देखिए ये पोर्ट्रेट मोड है फ्रंट का, ये ठीक ठाक तो नहीं करता है लेकिन कर देता है आपका पोर्ट्रेट मोड जो एआई की मदद से, डिटेल्स भी ठीक ठाक है इस इमेज में भी। आप देखिए जो स्वेट है वो भी पता चल रहा है। और मैं आपको बता दूँ अगर यही मैं ये देखता हूँ हनन लाइट में तो ये देखिए डिटेक्शन जो है इससे बेटर है रियलमी वन से, और जो इमेज भी काफ़ी शार्प आई हुई है, जो स्वेट आपको दिख रहा है एक बूंद जो मेरे चेहरे पर लगा हुआ है। जो अगली इमेज मैं आपको बता दूं रियर कैमरे से है जो रियलमी वन है वो 13 मेगापिक्सल का है, और जो मैं आपको बता दूं हनन लाइट जो 12 मेगापिक्सल का है और 2 मेगापिक्सल का जो है सेकेंडरी कैमरा है। तो ये देखिए जो एज डिटेक्शन है वो हनन लाइट में बेटर है, ये देखिए और ठीक ठाक है, और ये देखिए थोड़ी सी ब्लोन आउट हो रही है, ये एज डिटेक्शन उतनी मतलब प्रॉपर नहीं है, ठीक ठाक है कर देता है। और यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो ये देखिए पूरा बाल ही गैप कर दिया गया है, थोड़ा सा बाल को ही ले लिया गया है ब्लरी पार्ट में, और जो एज डिटेक्शन है वो भी उतना क्लियर नहीं है लेकिन ठीक ठाक कर देता है, आपको ब्लर मोड आपको आसानी से मिल जाता है। तो ये कैमरा कंपैरिजन थी हनन लाइट वर्सेस रियलमी वन। आगे देखिए ये रिकॉर्डिंग कंपैरिजन है,